गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल। तो आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ मेरे उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो काफ़ी दिन से हमारा जो मास्टर बेडरूम है उसका जो बाथरूम है वो देखना चाह रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि जब मेरे घर में रिनोवेशन हुआ था तो पूरे घर में मैंने बहुत सारा काम कराया था, तो उसमें से एक बाथरूम भी है जिसे मैंने चेंज किया है। पहले वाला जो बाथरूम था और अब का जो बाथरूम है उसमें भी मैं दिखा दूंगी कि पहले कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है। जैसे मैंने अपने स्मॉल ओल्ड बाथरूम को न्यू बाथरूम में कन्वर्ट किया है और बहुत ही मॉडर्न लुक आ रहा है उसकी वजह से, और स्टोरेज भी बहुत अच्छी मिल गई है क्योंकि हमें बाथरूम में स्टोरेज भी चाहिए होती है। जैसे बाथरूम का एक्स्ट्रा सामान होता है ना, उसके लिए स्टोरेज चाहिए होती है, तो वो भी हमारे अगर बाथरूम में अरेंज हो जाए तो बेहतर रहता है, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बाथरूम में करे हैं कुछ चेंजेस। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लगेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपको पसंद आएंगे। तो उसके लिए अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो पुराने बाथरूम से नए बाथरूम में क्या क्या चेंजेस है वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर वैनिटी, जो मैंने नई वैनिटी लगवाई है। ये जो वैनिटी है गाइस, यहाँ पर नहीं थी पहले। पहले यहाँ पर ना ग्रेनाइट का एक पत्थर पड़ा हुआ था जिसमें अंदर क्या कहते हैं होल बना के उसके अंदर सिंक रखा हुआ था, वॉश बेसिन। लेकिन क्या होता था ना, ग्रेनाइट होने की वजह से जब भी मैं उसे क्लीन करती थी उस पर व्हाइट स्पॉट्स रह जाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत गंदा लगता था। और मैं हमेशा सोचती थी कि यार ये मैं कितना भी साफ रखूं लेकिन ये हमेशा गंदा ही लगता है। तो मैं सोचती थी मैं इसे जरूर चेंज कराऊंगी, लेकिन ये एक ऐसा हार्ड टास्क था जिसे मैं इस घर में रहते हुए नहीं करा सकती थी। तो घर में जब रिनोवेशन चल रहा था तभी मैंने ये सोचा जब हम घर से बाहर हैं ही तो क्यों ना घर के वो वाले काम करा लें जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, घर में उन्हें चेंज कराना जरूरी है। तो उनमें से था ये कहते ग्रेनाइट हटवाना। तो वो ग्रेनाइट पुराना वाला मैंने हटवाया जिसमें बहुत मेहनत और बहुत सारा टाइम लगा था उन्हें, क्योंकि वो बिल्कुल वॉल के अंदर फिक्स था। काफी सारा टाइम लग गया था उन लोगों को हटाने में, लेकिन फाइनली वो हट गया। तो इस वैनिटी को लगाने के बाद मुझे दो चार फायदे हुए। एक तो ये साफ तुरंत हो जाता है क्योंकि ये जो व्हाइट कलर का वॉश बेसिन देख रहे हैं इसे मैं अगर सर्फ से भी क्लीन करूं तो भी साफ हो जाता है, वरना आप जो फ्लोर क्लीनर आते हैं उससे भी इसे साफ कर सकते हो। तो ये बिल्कुल चमक जाता है। ये जो है वो HDHMR की लकड़ी से बना हुआ है, तो ये पानी में भी खराब नहीं होगी। और वैसे तो पानी यहाँ पर इतना पड़ता नहीं है, अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो ये खराब नहीं होने वाली। सेकंड चीज, इसमें ना मुझे बहुत अच्छी स्टोरेज मिली है। इसमें दो कंपार्टमेंट मिले हैं मुझे और उनमें मैं खूब सारा सामान रख सकती हूँ अपनी जरूरत का। जो पहला कंपार्टमेंट है उसमें मैंने रख रखे हैं एसेंस, मतलब जो मुझे बाथरूम में या रूम में यूज करने होते हैं वो सारे के सारे एसेंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, या आप बोल सकते हो एसेंशियल ऑयल। उसके अलावा मैंने कुछ फ्रेशनर भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस के मैंने फ्रेशनर रखे हुए हैं, एसेंशियल ऑयल रखे हुए हैं। तो बाथरूम में ना खुशबू बनी रहती है जो कि बहुत सही लगता है, क्योंकि बाथरूम में स्मेल नहीं आनी चाहिए वरना बाथरूम में आने का भी मन नहीं करता है। तो बाथरूम भी ना उतना ही क्लीन और रहे और ऑर्गेनाइज रहे जितना कि आप बाकी घर रखते हो, तो बाथरूम में भी आप आ सकते हो। कुछ एसेंशियल ऑयल मैंने रिसेंटली परचेज किए हैं, जैसे कि ये 5 का सेट मुझे मिल गया था और इसमें ना हर तरह का कहते हैं लगभग आपको एसेंशियल ऑयल मिल जाता है। बाकी मैंने एक स्क्रबर रखा हुआ है जो कभी कभी यूज में आता है, और एक मैंने रखा हुआ है यहाँ पर मास्क, रोज फेस मास्क है ये। यहाँ पर मैंने एक रख रखा है बॉडी शॉप का, ये है आपका सी सॉल्ट। इसे मैं कभी कभी बकेट में डाल के, अब भाटा वगैरह तो नहीं है तो हम लोग बकेट में ही डाल लेते हैं, और किसी दिन बहुत फ्रेश महसूस करना होता है ना, जैसे बहुत थके हुए हो आप, आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो, तो बस बकेट में मैं थोड़ा सा सी सॉल्ट डालती हूँ, उसके बाद नहाने से ना बहुत आराम मिलता है, बॉडी को रिलैक्स हो जाती है बॉडी। इसके अलावा कुछ मैंने फेस मास्क रखे हुए हैं, यहाँ पर दो मैंने पील मास्क रखे हुए हैं, और ये पूरा फेस पे आप इस तरीके से लगा सकते हो तो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है चेहरे पे। राइस का है, विटामिन सी का है, कुछ मैंने ये हल्दी के और आपके कुछ ग्रीन टी के इस टाइप से रख रखे हैं। ये मैंने एक बार ऑफर में खरीदे थे, बाय 5 एंड गेट 5 फ्री, तो इस तरीके से ये बहुत सही प्राइस में पड़ जाते हैं। 500 रुपीज में लगभग आपको 10 मिल जाते हैं। जो सेकेंड ड्रॉर आती है उस ड्रॉर में मैंने एक साइड में टॉवेल अरेंज किए हुए हैं, एक साइड में मैंने रखे हुए हैं ग्लव्स। जब मेहंदी लगाती हूँ मैं या प्रशांत के बालों में कलर लगाती हूँ तब ये ग्लव्स काम में आ जाते हैं, या कभी कभी क्लीनिंग के लिए भी काम में आते हैं, जैसे बाथरूम क्लीनिंग वगैरह
करनी है तब भी काम आ जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ब्रशेस रखे हुए हैं, ये मैंने रख रखा है हैंड मसाजर, इससे जब आप ऑयल लगाते हैं उसके बाद हल्का सा कॉम करो तो जो पॉइंट्स होते हैं स्कैल्प में वो दबते हैं, जिसकी वजह से अच्छा सा रिलैक्स मिलता है। इसके अलावा मैंने डस्टबिन बैग भी रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये बैग बहुत काम में आते हैं क्योंकि बाथरूम में मैंने एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है, तो बाथरूम का जो भी कूड़ा रहता है वो बाथरूम में ही रहता है और यहीं से फिर मैं फेंक देती हूँ। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाथरूम में एक छोटा सा डस्टबिन जरूर रखें, बहुत हेल्प करता है। तो अब बात करती हूँ मैं यहाँ पर, ये जो दो प्लैंक आप देख रहे हो ये दोनों प्लैंक पहले नहीं थे यहाँ पर, यहाँ पर ग्लास के दो शेल्फ लगे हुए थे और वो दो शेल्फ क्योंकि हम लोग 4 साल से तो लगभग रह ही रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से उनमें क्रैक आ गए थे और वो टूट गए थे, तो उन्हें चेंज कराना जरूरी था। लेकिन मैं दोबारा से ग्लास शेल्फ नहीं लगवाना चाहती थी, मेरे पास ना कुछ ये प्लैंक पड़े हुए थे, मैंने जब किचन रिनोवेट कराई थी तो उसमें जिस जो काम हुआ है वो इसी प्लैंक से हुआ है, ये HDHMR वाला प्लैंक है, ये काफी मजबूत होता है और साथ में वाटरप्रूफ है और इसे क्लीन करना भी आसान है, इस पे निशान भी नहीं पड़ते। यहाँ पर एक छोटा सा आप कह सकते हो बाथटब टाइप का है शेप में, और इसमें मैंने कुछ फेस वॉश रखे हुए हैं जो मैं रेगुलर में यूज करती हूँ, और इसके अलावा यहाँ पर एक शोपीस रखा हुआ है साइड में बल्ब की शेप में, और इसके ऊपर प्रशांत ने अपनी शेविंग क्रीम और बाकी चीजें रखी हुई हैं स्किन केयर की, यहाँ पर टूथपेस्ट वगैरह है। तो आपको ना बाथरूम में थोड़ी ग्रीनरी ऐड करनी है जिससे कि बाथरूम का लुक थोड़ा इनहेंस हो, तो संभव ना मैं इतनी ग्रीनरी अपने बाथरूम में ऐड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई जिसकी वजह से मेरे बाथरूम में अच्छी ग्रीनरी भी लग रही है इस टाइम और देखने में भी बहुत प्यारा लुक आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जो आप मेरी नई वैनिटी देख रहे हैं इसके साथ मिरर भी मिला था, और इन दोनों की जो कॉस्ट पड़ी थी हमें वो 14,000 पड़ी थी, दोनों साथ में ही आए थे। और इस कलर की वैनिटी मैंने इसलिए चूज करी क्योंकि ये जो कलर है ना ये मेरे आप देखोगे बाथरूम में जो टाइल्स दिए हुए हैं उनके कलर के साथ बहुत अच्छे से इनहेंस होके आ रहा है, मैच कर रहा है कि व्हाइट और यही कलर है मेरे बाथरूम के टाइल्स का, तो वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है। तो बाथरूम में थोड़ी खुशबू बनी रहे उसके लिए मैंने यहाँ पर रख रखा है सिरामिक अरोमा ऑयल डिफ्यूजर, जिसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के 2-4 बूंदे एसेंशियल ऑयल की डाल देती हूँ, जो भी मेरा मन कर रहा था उसके अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छा लाइट अप भी रहता है, कितना प्यारा लगता है देखने में, और साथ में आपके बाथरूम में खुशबू भी रहती है। इसी कॉर्नर में ऊपर की जो जगह आप देख रहे हैं वो पूरी खाली थी पहले, और खाली होने की वजह से कुछ यूज में भी नहीं आ रही थी, तो ये पतली सी जगह को हमने स्टोरेज में कन्वर्ट किया जिसमें खूब सारी स्टोरेज हो गई है, जिसमें हम काफी सारा सामान अपना स्टॉक कर सकते हैं। स्टोरेज कैबिनेट में मैंने कुछ ऐसा सामान रखा है जो कि स्टॉक अप करने के लिए है, जैसे कि एक्स्ट्रा टूथपेस्ट हुए, सोप हुए, और यहाँ पर टॉयलेटरी बैग भी रखा है, जब भी कभी हम लोग वैकेशन पर जाते हैं तो यहीं से ही टॉयलेटरी बैग निकाल कर हम यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा टॉयलेटरी बैग पूरा बना के तैयार करा हुआ है जिसमें अलग से ब्रश है, पेस्ट है, शेविंग क्रीम है और शावर जेल है। इसके बराबर में ये ब्रश रखने के लिए होल्डर है जिसमें आप ब्रश जो है अलग से भी रख के लेके जा सकते हो। इसके नीचे जब आता है सेक्शन उसमें मैंने रख रखे हैं कुछ अपनी जरूरत की जैसे चीजें, रेजर वगैरह, फुट मसाजर रख रखा है मैंने इसके अंदर, और ब्रश फेस मास्क वगैरह लगाने के लिए कुछ ऐसी चीजें रख रखी है। इसके बराबर में भी मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बॉडी स्क्रब वगैरह जो कि स्टोरेज के लिए है, बैकअप के लिए, और यहाँ पर कुछ ऑयल रख रखे हैं, शैम्पू एंड कंडीशनर रख रखे हैं एक्स्ट्रा पेयर में। यहाँ पर कलर है, प्रशांत लगाते हैं अपने बालों में, तो ये मेरा जो है पूरा एक स्टोरेज एरिया है जिससे मैंने तैयार किया हुआ। तो वैनिटी के जस्ट बराबर वाली जो वॉल है, मैं आपको बोल रही थी कि मुझे कुछ ग्रीनरी ऐड करनी थी, तो वो ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये दो शेल्फ मंगाए जो कि वॉल में ही एडेसिव के थ्रू चिपक जाते हैं, इसके साथ जो एडेसिव मिलता है उसके थ्रू आप चिपका सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 मंथ से अपने किचन में इन्हें यूज कर रही हूँ, तो मैं इन्हें अच्छे से मतलब परख चुकी हूँ ऑलरेडी, उसमें विम लिक्विड, हैंड वॉश वगैरह और एक छोटा सा प्लांट मैंने रख रखा है, तो काफी अच्छे से वेट भी ले रहा है और अभी तक इसकी जो एडेसिव है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, तो ये अच्छे से होल्ड हो जाते हैं और खूब सारा वेट भी ले लेते हैं। काफी लोग पूछ रहे थे किचन में देख के, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर प्लांट्स लगाए हैं, ये रहे यहाँ पर प्लांट्स, आप चाहो तो रियल प्लांट्स भी लगा सकते हो, और रियल प्लांट्स की मेंटेनेंस ज्यादा हो जाती है तो कभी कभी हम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर मैंने स्मॉल आर्टिफिशियल प्लांट्स दिए हैं जिससे यहाँ पर बहुत अच्छा कलर और क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऐड हो रहा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर सिरामिक ऑयल डिफ्यूजर रखा हुआ है,
आप कहेंगे दो दो डिफ्यूजर क्यों रखते हैं, उसमें ना प्लग ऑन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो हमेशा तो आप प्लग ऑन करके नहीं रख सकते, ये तो कभी कभार के लिए होता है, लेकिन ये जो है ये हमेशा आपके बाथरूम में फ्रेग्रेंस बना के रखेगा। इसमें बहुत सारा ऑयल जो है यहाँ तक फिल करना होता है, जो इसकी जो इसी के साथ बोतल में आता है। तो मुझे मिला था ये लेमन ग्रास फ्रेग्रेंस, और ये लेमन ग्रास फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी जो खुशबू है ना वो बाथरूम में ऐड कर रहा है, क्योंकि इस टाइम मैं महसूस कर सकती हूँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इसके साथ ये हमें स्टिक्स मिली हैं, तो इनको आप इसमें कहते हैं डिप करके रख सकते हो। और इनको क्या डिप करते समय आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से जब फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो अलट पलट करके आप इन्हें दो तीन बार कर लीजिए, तो अच्छे से फ्रेग्रेंस इन स्टिक्स में रह जाती है, और फिर क्या होता है पूरा बाथरूम जो है आपका खुशबूदार लगता है। इसके लिए आपको कोई लाइट अप करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपका काम करेगा, क्योंकि इसे जरूरत नहीं है कि हीट के थ्रू ये काम करे। और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने कंटेनर रखा हुआ है, ये भी सिरामिक का है, और इस कंटेनर में मैंने कभी कभी जब शावर ले रही होती हूँ तो क्या होता है कि आपके बालों में कोई रबड़ लगी हुई है तो वो आप इधर उधर फेंको, उससे अच्छा है कि इसी में डाल देती हूँ। क्लचर हुआ, रबर बैंड्स हुई, वो यहाँ पर ही रहती हैं और यहीं से फिर मुझे मिल जाती हैं। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन की चीजें रही, बाथरूम क्लीनिंग की अगर आप बात करो तो वो सामान मैं कहाँ रखती हूँ, वो मैं रखती हूँ इसके नीचे, वहां पर मैंने हार्पिक रखा हुआ है, उसके अलावा क्लीनिंग के थोड़े बहुत अटैचमेंट रखे हुए हैं जो दिखाई नहीं देते। इसी के नीचे मैंने यहाँ पर डस्टबिन भी रखा हुआ है। तो अभी तक आप देख रहे थे ये वाली साइड, और इसके जस्ट बराबर में थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पर पॉट लगा हुआ है, और पॉट और शावर एरिया को डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर दे रखा है शावर कर्टेन। तो इस तरीके से पूरा शावर कर्टेन ये पड़ जाता है, और इससे क्या होता है कि एक पार्टीशन टाइप का रहता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना पार्टीशन अच्छा लगता है, इस तरीके से आपका जो बेथिंग एरिया है वो अलग हो जाता है, और जो आपका ये सिंक वगैरह वाला एरिया है अलग हो जाता है। तो वैसे तो मैं ये कर्टेन साइड में करके रखती हूँ, लेकिन जब शावर वगैरह लेना होता है तो हम इसे डाल लेते हैं। तो बेथिंग एरिया में मैंने यहाँ पर तीन ये ग्लास के कॉर्नर लगवाए हैं, पहले भी इसी टाइप के कॉर्नर लगे हुए थे लेकिन वो चटक गए थे ग्लास के होने की वजह से। अब जब आप रेगुलर यूज करते हो तो चटक जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो ये भी टूट गए थे उनके, तो ये सारा मुझे चेंज कराना था, कल ही भैया आके चेंज करके गए, तो ये कुछ नए कॉर्नर्स लगवा ली। यहाँ पर कॉर्नर्स ही अच्छे लग रहे थे क्योंकि ये जगह इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं कुछ और लगवा पाती, तो ये कॉर्नर्स अच्छे से फिक्स हो गए हैं साइड में, और बहुत सारा सामान भी आ जाता है। ऊपर मैंने सर्फ रख रखा है कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, कुछ कपड़े हाथ से भी वॉश करते हैं हम लोग, कुछ सॉफ्ट वॉश वाले कपड़े हैं तो उनके लिए मैंने इजी भी रखा हुआ है। सेकंड जो कॉर्नर है उसमें मैंने हेयर से रिलेटेड चीजें रख रखी है, जैसे शैम्पू और कंडीशनर। रिसेंटली मैं मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कभी कभी मैं जब हिना लगाती तो हिना के बाद मैं हिना शैम्पू यूज कर लेती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर अनियन हेयर मास्क भी रख रखा है, और इसके जस्ट नीचे वाला जो कॉर्नर है उसमें मैंने शावर जेल रख रखा है, ये प्रशांत का फेवरेट शावर जेल है निविया का। और मैं कुछ बॉडी स्क्रब भी रखती हूँ क्योंकि वीकली मैं एक बार बॉडी स्क्रब जरूर करती हूँ, और ये लिलियम का डायमंड फेस स्क्रब है जो कि मैंने स्पा फेयर लगा था यहाँ पर दिल्ली में, तब मैंने वहां से परचेज किया था, हर साल लगता है, कोविड की वजह से एक दो साल नहीं लगा था बीच में, तो ये मैं जब ले आती हूँ तो एक डेढ़ साल आराम से चल जाता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। कुछ और स्क्रब्स रखे हुए हैं, ये कशिश ने मुझे मदर्स डे पे गिफ्ट में दिए थे, तो ये सारे बॉडी स्क्रब्स वगैरह मैंने इधर रखे हुए हैं, और एक यहाँ पे रख रखा है लूफा। तो ये है ये एरिया जो कि इस तरीके से बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। बाथरूम में फैन भी लगा रखा है हमने, एक है एग्जॉस्ट फैन और एक है हमारा रेगुलर फैन। वगैरह हैंग करने के लिए एक रॉड लगा रखी है, काफी ओल्ड है, और यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए लगा रखा है। तो ये था टूर और ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। कल का दिन मेरा बहुत बिजी गया था, जो काम पेंडिंग चल रहे थे इतने दिनों से, क्योंकि घर में रिनोवेशन तो हो गया लेकिन काम अभी भी पेंडिंग थे, तो कल पर्दों की रॉड वगैरह लगवाई सारे जगह पे, बाथरूम की कुछ फिटिंग कराई अपने बाथरूम में, कशिश के बाथरूम में क्योंकि कशिश भी आने वाली है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारा समय निकल गया था। फिर बाकी जो कहते कुछ नई चीज़ें मैंने परचेज करी थी वो मैंने फिट करी, तो ये सब किया मैंने कल, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करा करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, लव यू गाइज।